पहले क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, और उसके बाद फिर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में कुछ नया नहीं करना है, जो ट्रायंगल रूल या पैरेललोग्राम लॉ पढ़े हमने वही हमको करना है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन ले लिया मैंने, फाइंड आर वेक्टर विच इज ए प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, ए प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, ठीक है। आपको आर निकालना है, ये किसके इक्वल है, ए प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर के इक्वल है, आपको ये फाइंड आउट करना है। एंड गिवन दैट सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, थीटा डिग्री का एंगल है, ठीक है, ए और बी के बीच में। दिस इज वेक्टर ए, अब मैं इनके मैग्नीट्यूड लिख दूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज सपोज 10 मीटर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज सपोज 6 मीटर, और अभी इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, मतलब ये एंगल इनके बीच में 60 डिग्री का है, समझ गए क्वेश्चन। लेकिन आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है ए प्लस ऑफ माइनस बी फाइंड करना है, ए प्लस ऑफ माइनस बी, मतलब आप इसको लिख सकते हो ए माइनस बी, ठीक है, समझ गए, ए प्लस ऑफ माइनस बी आपको फाइंड आउट करना है, या फिर आप इसको लिख दो ए माइनस बी। सो व्हाट इज आर हेयर, आर वेक्टर इज ए प्लस माइनस बी है, और बी आपका ये ऐसा दिख रहा है ये वाले डायरेक्शन के, और एंगल कितनी डिग्री का, अभी इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल है। दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, लेकिन आपको फाइंड करना है बेटा ए माइनस बी या ए प्लस ऑफ माइनस बी। तो नया कुछ नहीं करना होता, आपको क्या करना है, बी को अपोजिट डायरेक्शन में बनाना है, दिस इज माइनस बी वेक्टर, बी को अपोजिट डायरेक्शन में बनाना है। तो जब आप बी को अपोजिट डायरेक्शन में बना दोगे तो ये नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा, माइनस बी वेक्टर बन जाएगा या नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा आपका ये, ठीक है, ये नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा आपका, क्लियर हो गया, ये नेगेटिव यस वेक्टर सर। बन गया यहाँ पर, है ना, नेगेटिव वेक्टर बन गया, बी को पलट दो, और अगर बी माइनस ए करना होता तो ए को पलटते, तो हमने यहाँ पर किसको पलट दिया, बी को पलट दिया, बी का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, तो ये बन गया यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर। और अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है, दिस इज फाई इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा, अब इन दोनों के बीच में एंगल 180 माइनस थीटा का है, तो इनका जो रिजल्टेंट है ए और माइनस बी का, इसके लिए आप फिर से एक पैरलोग्राम ड्रॉ करोगे, ये इस तरह से आपने पैरलोग्राम बना दिए, और फिर आप क्या करो, वेक्टर बना दो, ये कौन सा वेक्टर बन गया आपका, माइनस बी बन गया, और ये कौन सा वेक्टर हो गया आपका, दिस इज वेक्टर ए। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर ये कहां से कहां तक होगा, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर, और ये आर वेक्टर किसके इक्वल है, ए प्लस ऑफ माइनस बी के इक्वल है, समझ गए, समझ गए। तो वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन है एक प्रकार का एडिशन ही होता है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन एक प्रकार का एडिशन ही है, तो नया कुछ नहीं है, फार्मूले भी आपके पुराने वाले ही लगेंगे यहाँ पर, ठीक है, फार्मूले भी पुराने वाले ही लगेंगे, मतलब ए प्लस बी का जो फार्मूला हमने अप्लाई किया था वही फार्मूला यहाँ पर भी लगने वाला है, समझ गए क्वेश्चन, हेलो समझ गए, ये समझ गए या नहीं इतना, हेलो समझ गए सर। क्वेश्चन, हाँ
हाँ, तो इसमें नया कुछ नहीं है, सब कुछ वही पुराना ही है, फॉर्मूले भी पुराने लगेंगे, बस आपको ये देखना है। तो अब इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, कि भाई रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर हमको निकालना भाई है आर की वैल्यू, सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज गिवन बाय आर एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 10 मीटर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू बी इट इज 6 मीटर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी और बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, प्लस में ही आता मैग्नीट्यूड हमेशा। तो आर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, दिस इज इक्वल टू ए, तो इसका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा इट इज गिवन बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस। क्या लिखोगे, थीटा या फाई, क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ पे कौन सा एंगल लिखोगे, थीटा थीटा वाला एंगल लिखोगे कि ये एंगल थीटा लिखोगे, थीटा थीटा ए और बी के बीच में है और फाई ए और माइनस बी के बीच में है ना। आप कर क्या रहे हो यहाँ पे, आर फाइव कौन सी वैल्यू निकाल रहे हैं आप, ए प्लस और माइनस बी निकाल रहे हो ना। 180 हाँ, आई है यहाँ पे दिस इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस ऑफ वेक्टर बी इज फाई, दैट इज 180 माइनस थीटा। तो यहां पर आपको फाई लिखना है, फाई मतलब ए और माइनस बी के बीच का एंगल, क्योंकि ये रिजल्टेंट किसका है, ए और माइनस बी का रिजल्टेंट है। तो जिनका रिजल्टेंट आप देख रहे हो उन्हीं के बीच का एंगल आपको लेना है। तो आप रिजल्टेंट देख रहे हो किसका, ए और माइनस बी का, तो आपको यही वाला एंगल यहां पर लेना पड़ेगा। समझ गए अभी, हेलो यस सर। कोई डाउट सर अभी इस पे? वो हाँ सर बोलो। सर वो 120 आएगा ना सर। हाँ वो 120 आएगा, हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे ना 120। अब यहाँ पे आगे अब हम वैल्यू पुट करते हैं, तो आगे जब आप रख रहे हो तो आप वैल्यू पुट करना। अब यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कितनी है 10 स्क्वायर, बी की वैल्यू नेगेटिव ऑफ बी का मैग्नीट्यूड भी प्लस ही होता है, तो दिस इज 6 स्क्वायर, 2 × 10 × 6, और कॉस की वैल्यू क्या आ गई 120, फाई की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 180 माइनस थीटा कितना बचेगा आपका 120 बचेगा है ना। फाई की वैल्यू क्या है 180 माइनस थीटा, दिस इज 180 माइनस 60, तो कितना आ गया ये 120 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 120 डिग्री आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं, अरे समझ गए, नो सर, नो सर, नो 120 सर, 120 डिग्री एंगल नहीं समझा क्या, 60। यस सर, नहीं समझे वो। अरे ये वाला एंगल कितने का आएगा, अगर ये 60 का है इतना, तो ये एंगल कितने का रहेगा। सर लीनियर पे अरे ये सीधी लाइन है ना, लीनियर सीधी लाइन है, इतना एंगल टोटल 180 का है, अगर ये 60 का हो गया तो ये कितने का बचेगा, 120। हाँ वही किया अपन ने, अभी समझा या नहीं, समझ गया, समझा सर। सभी बच्चे समझ गए। यस सर। ओके देख, ये कौन सा वेक्टर है तुम्हारा, बी है मान ले, तो माइनस बी इसके अपोजिट बनेगा और इन दोनों के बीच में एंगल कितने का रहेगा 180 का। तो बी और माइनस बी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हैं। क्लियर हो गया, हेलो क्लियर हो गया, अरे समझ गए। फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं, फार्मूले में कोई चेंजेस नहीं, आप रिजल्टेंट ही तो निकाल रहे हैं ना, आप तो रिजल्टेंट ही निकाल रहे हैं ना, ये ए प्लस ऑफ माइनस बी निकाल रहे हैं ना, तो फार्मूले में कोई चेंजेस नहीं है, सब कुछ वही है। बस यहाँ पे आप ड्रॉ करते टाइम और कैलकुलेशन करते टाइम बस ये ध्यान रखना एंगल का और बाकी का, बाकी फार्मूले में कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, समझ गए। सर वो सिंबल कौन सा है, 180 माइनस थीटा के पहले का? ये फाई बोलते, फाई अल्फा बीटा गामा ये सब होते हैं ना सिंबल, तो वो फाई लिखा मैंने। ठीक है, ये फाई है बेटा, फाई सिंबल है। ठीक है, समझ गए अभी, हेलो अरे समझ गए या नहीं। यस सर। अब कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, अब वैल्यू पुट करना है, ये हो जाएगा आपका 100, 100 प्लस 36 प्लस 2 इंटू 60
और cos 120 माइनस 1 बाई 2, तो ये 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना बचेगा? 40, रूट 76 बचेगा कि नहीं? सो दिस इज रूट 76 मीटर आ गया। तो ये r की वैल्यू यहाँ पे रूट 76 मीटर आएगी, समझ गए? तो वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन होता है उसमें नया कुछ नहीं करना है आपको, एक प्रकार का एडिशन ही है, लेकिन किसका एडिशन? जैसे आप a माइनस बी लिखे हो, a माइनस बी का मतलब क्या? a प्लस ऑफ माइनस बी, तो एक प्रकार का वेक्टर का एडिशन ही है ये। तो यहाँ पे कोई फार्मूले चेंज नहीं होंगे, बस यहाँ ध्यान रखना कि a और माइनस बी के बीच का एंगल आपको लिखना पड़ेगा फार्मूले। ये एंगल नहीं लिखना, ये तो a और b के बीच का एंगल 60 डिग्री, समझ गए या नहीं? अरे समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गया सर। ओके, क्लियर हो गया? अभी कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब ऐसे ये वाले एंगल के लिए भी आप फार्मूला निकाल सकते हो भाई, कि ए से ये वाला एंगल कितने का बन रहा है। मान लो ये अल्फा डिग्री का एंगल बन रहा है, इस एंगल के लिए भी कोई फार्मूले जो हमने कल पढ़े थे। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। अब एंगल निकालेंगे अपन अल्फा, है ना, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? हो गया। ओके, और इसके बाद में ना ये टॉपिक के बाद बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रही है, क्लास लीव नहीं करना, और अगर किसी कारण से लीव भी होती है तो उसको देखना जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट। सर रुको, सर स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ ले लो, मिटा दो सर। नाउ पेज नंबर 2, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, देखो अभी अब हम ये एंगल निकालते हैं अल्फा, तो टेन अल्फा इज इक्वल्स टू, अल्फा किसके साथ एंगल है? बी के साथ, तो यहां पे पहले लिखोगे साइन फाई अपॉन कॉस फाई, ये ए के साथ एंगल है, तो मॉड ऑफ माइनस बी, मॉड ऑफ माइनस बी प्लस मॉड ऑफ ए, ये लिखना पड़ेगा आपको, यही फार्मूला कल भी अपन ने यही फार्मूला पढ़े थे, है ना, यही फार्मूला है एडिशन के लिए। तो फार्मूले में कोई चेंजेस नहीं है, जो फार्मूले हमने कल पढ़े थे वही फार्मूले लगेंगे इसके लिए भी। सो देयरफॉर टेन अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस बी, कितना आएगा ये वाली वैल्यू? नेगेटिव बी का मैग्नीट्यूड भी 6 रहेगा, दिस इज 6, इंटू साइन 120 अपॉन 6 इंटू कॉस 120 एंड प्लस ए का मैग्नीट्यूड कितना? 10। देखो तो यहां पर भी वैल्यू पुट करते टाइम कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां माइनस 6 ले लेते हैं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 6 मीटर। आपने सिर्फ वेक्टर का डायरेक्शन बदला है, अपोजिट किया है, उसकी वैल्यू को नहीं बदला है। तो ये बताओ मुझे, क्या बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर? यस और नो? व्हाट इज योर आंसर? यस और नो? क्या आएगा? यस सर। नहीं है ना, ए और माइनस बी सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना। अरे भाई, बी का डायरेक्शन इधर हो गया और माइनस बी का अपोजिट हो गया ना, तो अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन भी बदल जाता है तो वेक्टर अनइक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका? तो ये दोनों सेम नहीं है, बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू माइनस बी, हाँ लेकिन उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड सेम है, समझ गए? कभी भी बी और माइनस बी सेम नहीं होंगे, डायरेक्शन बदल गया उसका, ठीक है, डायरेक्शन बदल गया है, बी और माइनस बी सेम नहीं होंगे, डायरेक्शन बदल गया। क्लियर हो गया कि नहीं? डायरेक्शन बदल गया ना भाई, यहाँ पे ये वाला वेक्टर इधर है, ये वेक्टर इधर है, तो सेम कैसे होगा फिर ये? समझ गए कि नहीं? हाँ, वैल्यू सेम है, वैल्यू मतलब उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का और माइनस बी, मतलब वैल्यू सेम है पर वेक्टर नहीं,
हाँ वैल्यू सेम है, मतलब ये जिसको आप मैग्नीट्यूड बोलते हो ये सेम है लेकिन वेक्टर सेम नहीं है, उनकी लेंथ सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। तो दो वेक्टर तभी इक्वल होते, याद करो मैंने पढ़ाया था इक्वल वेक्टर कैसे निकालते अपन, दो वेक्टर इक्वल तभी होते जब एंगल भी सेम हो और उनकी वैल्यू भी सेम हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए तभी इक्वल होते ना। तो यहाँ पे बी और माइनस बी में उनकी वैल्यू सेम है जिसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, तो मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए बी और माइनस बी आर नॉट द सेम वेक्टर। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं सर? 1/√3 आया आंसर। हाँ अभी इसको सॉल्व करेंगे अपन, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो दिस इज नॉट माइनस बी, यहाँ पर जो गलती करते हैं वो मैंने बताया कि भाई यहाँ पे क्या मिस्टेक करते बच्चे। सो दिस इज 6 sin 120 होता है, √3/2 10 + 6 cos 120 -1/2 2 × 2 = 6 so it is 3√3 divided by ये बचे 3 तो यहाँ पे आगे so tan alpha is equals to 3√3 divided by 7 ये इसका आंसर आ गया यहाँ पे एंगल का आर का। समझ गए? तो ये पूरा कैलकुलेशन हो गया। कोई डाउट किसी को भी? देख लो कैलकुलेशन में सर डिग्री वैल्यू कितनी है। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, इसलिए ऐसा दिया हुआ था। तो आप इस तरह से याद रखो ना सीधा सीधा, क्यों उसमें उलझ रहे हो? क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा और कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, इसलिए वहां पे फार्मूले में वो माइनस का साइन आ गया। समझ गया? ओके सर ओके। तो देखो मैं नए फार्मूले याद नहीं करवा रहा ना तुमको, मैंने तुमको सब्ट्रैक्शन के लिए नए फार्मूले बताया क्या? नहीं बताया ना। तो मैंने जैसा बताया वैसे ही याद रखो। अब बुक में तो क्या होता है वो अलग अलग तरीके से बनाते रहते, मैं भी ऐसा भी बता, ठीक है? समझ गया अभी? ओके अभी देखो, अगर तुम बुक के अकॉर्डिंग चलोगे, इस पेज का स्क्रीन शॉट लो पहले जल्दी से, इस पेज का स्क्रीन शॉट लो, इस पेज का स्क्रीन शॉट लो। लिए सर। लिए? आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पेज नंबर 3 देखो, जो आप बोल रहे हो जैसे बुक में मॉडिफाई किया है, बुक में एक और नया फार्मूला बना लिया हमने, तो वो नया फार्मूला नहीं इसी से बना है। देखो यहाँ पे बुक में r की वैल्यू को उसने ऐसा लिखा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos 180 माइनस थीटा, भाई 180 माइनस थीटा का ही एंगल है और cos 180 माइनस थीटा क्या हो गया आपका ए स्क्वायर 2ab cos 180 माइनस थीटा हो गया माइनस cos थीटा। अभी देखो बुक का फार्मूला बन गया। अरे समझ गए? यस सर। हाँ ऐसे ही फिर tan अल्फा के लिए, tan अल्फा के लिए आप क्या लिखोगे? साइन 180 माइनस थीटा इंटू बी, फिर बी, फिर cos 180 माइनस थीटा प्लस ए। ये देखो साइन 180 माइनस थीटा वापिस से साइन थीटा है और ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा प्लस बी cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे अब आपको 120 वैल्यू नहीं रखना, यहाँ पे आपको कौन सी वैल्यू रखना, 6 इंटू साइन 60 डिवाइडेड बाय 10 प्लस बी की वैल्यू 6 एंड माइनस cos 60। तो आपको अब 60 डिग्री वाली वैल्यू रखना है, 120 नहीं रखना है। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? Yes, हाँ तो भी आंसर वही आएगा ना, आंसर पे थोड़ी फर्क पड़ रहा है। तो मैं आपको नए फार्मूले नहीं बता रहा हूँ, मैं उसी फार्मूले से ही मैंने इसको सॉल्व करके बताया आपको। क्लियर हो गया अभी? Yes, कोई भी एक मेथड से करो तो आंसर सेम ही आएगा। हाँ सेम ही आएगा, आप कैसे भी सोचो। अरे वो फार्मूला ऐसा नहीं है, यहाँ 180 माइनस थीटा का मतलब क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए, 120 डिग्री तो है ना। तो वो फार्मूला उसी ने क्या किया है, उसको लिखने के तरीके को बदल दिया। तो आप फिर ऐसे बहुत सारे तरीके बनते जाते, इसलिए मेरा फोकस इस पे नहीं रहता कि मैं नए नए फार्मूले बताऊं आपको, मेरा फोकस ये रहता है कि एक ही फार्मूले से आप सब कुछ करो। समझ गए? अरे समझ गए? मैं नए नए फार्मूले नहीं बता रहा हूँ ना तुमको, एक ही फार्मूला बता रहा हूँ, उसी से आपको सब कुछ आना चाहिए। वो ज्यादा बढ़िया है कि आप 10 फार्मूले करो, ठीक है? हेलो ओके। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहो तो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, पेज नंबर 3। और अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन चालू कर रहे हैं, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर।
या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आप देख रहे हैं। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए? डन सर। ओके, अब पेज नंबर 4 पे अपन आते हैं। नाउ पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 पे देखो अभी। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, रेजोल्यूशन या कंपोनेंट, अभी तक हमने दो वेक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन पढ़े, अगर दो से ज्यादा वेक्टर आ जाए तो फिर उनको कैसे ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, उसके लिए आपको रेजोल्यूशन आना चाहिए, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम और आसान हो जाती है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत आसान भी है, बस छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी और हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है इसको। ठीक है, तो इसको मैं पहले इस तरह से ले लूं कि जैसे मान लो ये दो परपेंडिकुलर लाइन आपको दिख रही है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अभी हम टू डायमेंशन के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, टू डायमेंशन के लिए, एंड दिस पॉइंट इज ओ और ये कोई वेक्टर है आर, और एंगल एक्स एक्सिस के साथ में कितने डिग्री का बन रहा है इसका, थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ में आर वेक्टर का थीटा डिग्री का एंगल है। तो इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट क्या होगा, तो अगर आप इसको थोड़ा और क्लोजली वॉच करोगे, आप ये देख सकते हो कि भाई ये जो वेक्टर बना है आपका, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ये वेक्टर हो गया आपका आर, ये किससे मिलकर बना है, ये दो वेक्टर से मिलकर बना है। आप यहां पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो ऐसा, तो ये दो वेक्टर से मिलकर बना, एक ये और एक ये, या फिर ये और ये, है ना, तो आर वेक्टर ये दो वेक्टर से मिलकर बना है, और इसको आप लिख सकते हो आर एक्स और इसको लिख सकते हो आप आर वाई, दिस पॉइंट इज एम, दिस पॉइंट इज एन, तो ये तो आर वाई है और ये कौन सा है यहाँ पे आर एक्स, समझ गए, तो ये जो वेक्टर आर है ये इन दो से मिलकर बना है, ऐसे ये बहुत सारे वेक्टर से मिलकर बन सकता है, बट हमको सिर्फ दो ही कंपोनेंट देखना है, एक उसके अलोंग द लाइन वाला और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला, या जैसे ये एक्स, तो व्हाट इज एक्स हियर, आर एक्स क्या है यहाँ पे, तो आर वेक्टर कैन बी रिटन एज आर एक्स प्लस आर वाई वेक्टर, आर एक्स प्लस आर वाई से आप इसको लिख सकते हो, यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल आपको दिख रहा है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, तो R वेक्टर कैन बी रिटन एज दिस, ये जो R वेक्टर बना था आप इसको X और Y कंपोनेंट के फॉर्म पे लिख सकते हो, व्हाट इज R हियर, Rx इज कंपोनेंट ऑफ R अलोंग X एक्सिस, इसको बोला जाता है दिस इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर R अलोंग X एक्सिस या X डायरेक्शन पे, और आर वाई का मतलब क्या हो गया, दिस इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलोंग वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस का कंपोनेंट कहलाएगा और एक कौन से एक्सिस का कंपोनेंट कहलाएगा, वाई एक्सिस का। तो आप इस वेक्टर को तोड़कर ऐसा लिख सकते हो, अभी तक अपन क्या कर रहे थे, आपके पास इस तरह के दो वेक्टर होते थे और उससे आप रिजल्टेंट बना रहे थे, अब आपके पास एक वेक्टर है और उसको आप तोड़ कर लिख रहे हो, उसको ब्रेक कर लिख रहे हो, आपने इस वेक्टर को ब्रेक कर दिया x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, सो वेक्टर r कैन बी रिटन एज
यहाँ पे हमने जो लिखा है नाउ वेक्टर आर कैन बी स्प्लिटेड स्प्लिटेड एज आर एक्स और आर वाई के फॉर्म पे आप उसको क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, तोड़ सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। तो इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, इसका एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट बोल रहे हैं। अगर मुझे आर एक्स की वैल्यू आर के टर्म पे चाहिए या आर वाई की वैल्यू आर के टर्म पे चाहिए तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाना। नाउ राइट ट्राइंगल ओ एम पी पे, इस राइट ट्राइंगल पे देखो, इस राइट ट्राइंगल पे अगर आप देखोगे तो साइन थीटा किसके बराबर आएगा, आर वाई अपॉन आर, और कॉस थीटा किसके इक्वल रहेगा, आर एक्स अपॉन आर। आया ना, साइन थीटा की वैल्यू आर वाई अपॉन आर, आर वाई क्या है, व्हाट इज आर वाई, आर वाई क्या है या फिर आर क्या है, यहाँ पे आर है यहाँ पे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड या वैल्यू, जिसको हम लेंथ बोलते हैं यहाँ पे, है ना कॉमन लैंग्वेज। तो आर यहाँ पे इसकी लेंथ है, ये लेंथ। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लिया कि भाई साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस और कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो देयरफॉर व्हाट इज आर एक्स, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये क्या बन जाएगा, आर कॉस थीटा, एंड व्हाट इज आर वाई हियर, इट इज आर साइन थीटा। समझ गए या नहीं? अरे भाई समझ गए इसको? समझ गए सर। ओके, तो ये जो कंपोनेंट, ये एक्स कंपोनेंट आप आर कॉस थीटा के फॉर्म पे लिख सकते हो और वाई कंपोनेंट को क्या लिख सकते हो आप, आर साइन थीटा के फॉर्म पे लिख सकते हो। ये तो एंगल, ये एंगल कहां से देख रहा था आपको, एक्स एक्सिस से। अगर यही एंगल वाई एक्सिस से होता तो क्या आता बताओ जरा, अगर यही एंगल वाई एक्सिस से होता तो कैसा लिख लेते, क्या बनता फिर, आर एक्स इक्वल्स टू आर साइन थीटा और आर वाई इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। यस वेरी गुड। तो हमने कुछ नहीं किया, बस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया है, तो उसको आपने ब्रेक कर दिया भाई कंपोनेंट के फॉर्म पे। तो ये समझ गए आर कॉस थीटा आर साइन थीटा क्यों लिखे, कैसे लिखे, कोई डाउट अभी किसी को भी इसमें? सर फिर से और एक बार बता दो। हाँ ठीक है मैं बता रहा हूँ, बट एक बार बोर्ड को देखो आप लोग, पहले पूरा बोर्ड को देखो फिर एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। आप लोग पहले कंपोनेंट बार बार रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं यूज में, मैं फिर से मिटाकर ही एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ठीक है। सेम को फिर से लिख के बता रहा हूँ फिर से एक बार, और पेज नंबर 4 ही है इसलिए कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने। और ये जो रेजोल्यूशन है अपन 2D वाला कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट लेट आर इज एनी वेक्टर, आर कोई वेक्टर है और इसका जो मैग्नीट्यूड है आर वेक्टर का, इट इज गिवन बाय आर। और ये इस तरह से दिया हुआ है यहाँ पर कि ये y एक्सिस हो गया, मान लो ये x एक्सिस, ये पॉइंट O है, तो ये बन गया आपका r वेक्टर, और x एक्सिस के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना, यहाँ पे इसका थीटा डिग्री का एंगल बना है। समझ गए, r वेक्टर का x एक्सिस के साथ में थीटा डिग्री का एंगल है, आर वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ में थीटा डिग्री का एंगल है, ये गिवन है। अब आपको क्या करना है, नाउ ब्रेक द वेक्टर आर इन एक्स एंड वाई कंपोनेंट। अब हम क्या कर रहे हैं यहां पे, नाउ रिजॉल्व वेक्टर आर इन एक्स एंड वाई कंपोनेंट, एक्स और वाई कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व करो। तो रिजॉल्व करने के लिए आपको फिर से एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, दिस पॉइंट इज O, दिस इज वेक्टर r और ये एंगल थीटा, ये पॉइंट P है। अब रिजॉल्व करने के लिए आप क्या करो, यहां पे ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो, कभी भी हमेशा ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ करना। तो ये बन गया आपका x कंपोनेंट और ये वाला बन गया आपका y कंपोनेंट,
दिस इज आर वाई एंड दिस इज आर एक्स, ये पॉइंट हो गया एम, ये पॉइंट हो गया आपका एन, तो ये आर वाई है तो ये भी आर वाई रहेगा और ये कौन सा रहेगा आपका आर एक्स रहेगा। समझ गए या नहीं, यहां तक समझ गए? हेलो मिताली। मिताली यस सर, यस सर। तो आपके पास ये दिया था, आपको एक्स और वाई कंपोनेंट में ब्रेक करना है, आप क्या करो रेक्टेंगल बना दो, ये ऐसे रेक्टेंगल बना दिए, एक्स एक्सिस की तरफ आर एक्स लिख दिया, वाई एक्सिस की तरफ आपने आर वाई लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लो, सो नाउ राइट ट्रायंगल, कौन से वाले राइट ट्रायंगल में, ओ एम पी में, व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो दिस इज आर वाई डिवाइडेड बाय आर। यहां पर ये गलती नहीं करना कि आपको वेक्टर फॉर्म पे नहीं लिखना है, ये ऐसा नहीं लिखा जाता है, एंगल के टाइम पे आपको उसकी सिर्फ वैल्यू लिखना पड़ता है, समझ गए? आप उसको इस तरह से डिनोट नहीं करेंगे, वेक्टर फॉर्म पे डिनोट नहीं करेंगे, आपको उसकी सिर्फ वैल्यू लिखना होता है, इसलिए आर वाई अपॉन आर लिखा मैंने। सिमिलरली अब इसको अगर आप देखोगे देयर फोर, तो आर वाई की वैल्यू क्या बन गई, आर साइन थीटा, एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, आर एक्स अपॉन आर, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो देयर फोर आर एक्स, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका आर कॉस थीटा, तो ये कंपोनेंट आ गए, आर एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ओ आर वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, आर एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, सो वेयर यहां पे मैं लिख दूं आर एक्स इज एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर एंड आर वाई क्या है, आर वाई इज वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर, सी ओ एम पी मतलब कंपोनेंट, शॉर्ट फॉर्म पे लिखा मैंने, अभी समझ गए या डाउट है अभी भी किसी को, समझ गए या डाउट है? समझ गए सर। ओके तो नया कुछ नहीं कर रहा बेटा, जो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़े हो ना वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं लिखने के लिए, जो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा हुआ है उसी को हम यूज कर रहे हैं लिखने के लिए, ठीक है। फिर वेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, सब ही इंपॉर्टेंट, ज्यादा प्रैक्टिस करना है। अरे सब कुछ इम्पोर्टेंट है, डिफरेंशिएशन भी हर कहीं पे यूज मिलेगा आपको फिजिक्स में, इंटीग्रेशन का भी हर कहीं यूज मिलेगा, वेक्टर का भी हर कहीं पे यूज मिलेगा, तो अपन ये नहीं बोलेंगे कि ये कम इम्पोर्टेंट है, ये कुछ पार्ट ऐसे होते जो हर कहीं पे यूज मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का हर कहीं पे यूज दिखेगा आपको, ठीक है। तो आपको अब टेंथ क्लास से बाहर निकल कर आना पड़ेगा, टेंथ क्लास तक की फिजिक्स बिल्कुल लो लेवल की थी और अब जो फिजिक्स है ये थोड़ा अच्छे खासे लेवल की है और इसलिए तकलीफ भी होती है यहाँ पे इलेवंथ में आके, ठीक है। फिजिक्स में देखो अगर मान लो ये बाय एक्सिस पे रहा तो फिर क्या करोगे, ये मैंने अगर मान लो एंगल यहां पर कर दिया, बाय एक्सिस पे एंगल ले लिया, चलो एंगल को मैंने फाई लिया यहाँ पे, हाँ ये थीटा की जगह फाई लिया, तो अब आपका जो ट्रायंगल है आप ये वाला ले लेना ओ एन पी और साइन फाई, अब आपका आर एक्स अपॉन ये आ जाएगा तो ये आर एक्स बन गया और कॉस फाई आपका हो जाएगा आर वाई अपॉन आर, ये ठीक है, समझ गए कि नहीं, बाकी सब कुछ यही है, देख लो अभी समझ गए सर, क्लियर हो गया सर, हाँ देख लो अभी और अच्छे से, कोई डाउट है इसमें, हाँ बोलो सर, इसमें जो आप आर एक्स इक्वल्स टू आर साइन पाई, हाँ तो सर इसमें एक या दो वैल्यू दी रहेंगी फिर तीसरे को फाइंड करना पड़ेगा ना, हाँ एक या दो वैल्यू दी रहती है तीसरे को फाइंड आउट करना पड़ता है और फिर इसी में से कुछ और पोर्शन भी कैलकुलेशन के लिए रहते हैं, इसको और एक और तरीके से लिखा जाता है इसको, ठीक है। ओके सर, ओके कोई डाउट है इसमें, नो सर,
ठीक है सर, हाँ बोलो। नहीं समझ रहा सर ये। नहीं समझ रहा, अभी और प्रैक्टिस करेंगे तो और समझ में आएगा ना, अभी तो बस थ्योरी चल रही है। एक बार और इसको पढ़ो, अभी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, इसमें अपन कैसे लिखते हैं ये तुमको समझा कि नहीं, आर एक्स कैसे लिखे, आर वाई कैसे लिखे, आर साइन फाई, आर कॉस फाई, बराबर नहीं थोड़ा थोड़ा। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा भी यूज नहीं किया है, ये जो टेंथ स्टैंडर्ड में आप पढ़ते हो ट्रिग्नोमेट्री वही यूज किया मैंने। टेंथ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री आती कि नहीं आती? आती ना। हाँ तो देख साइन फाई कैसे लिखेगा, राइट ट्रायंगल देख, ओ एन पी वाले राइट ट्रायंगल पे देख, ओ एन पी वाले बहुत आती, थोड़ी बहुत आती है, तो वो पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो नाइन टेंथ टेंथ वाली, खासकर साइन कॉस कैसे लिखते हैं। चलो ठीक है, अभी जो डाउट क्लास रहेगी आज तुम्हारी पूरी क्लास है, उस टाइम पे मैं वही बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को फिर से बताऊंगा, बट सभी बच्चे रहना और इसका आगे का भी अपन आगे देख लेंगे अभी डाउट क्लास में, ठीक है 11:30 बजे से। ओके डाउट क्लास में आना जरूरी रहे आज? हाँ सभी को आना जरूरी, तुम्हारे बैच में डाउट क्लास, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्री में फंस रहे हो सर, क्योंकि सर पारस सर हमारे ट्रिग्नोमेट्री ले रहे हैं, तो वहाँ पे कर लो। नो सर आप बता दो, जेई वालों को नहीं पता है। हाँ ठीक है, तो मैं बताऊंगा अभी, पर 11:30 बजे सभी बच्चे प्रेजेंट रहना, ठीक है सर। फिफ्थ क्लास के फोर्थ वालों को भी आना है। हाँ थर्ड और फोर्थ सभी को रहना है इसमें 11:30 बजे। सर बायो की भी तो रहती है ना, तो हम क्या कर सकते फिर, अभी अब कहीं ना कहीं तो छोड़ना पड़ेगा ना, मैंने तो ये बताया हुआ ऑलरेडी, पहले रिपीट किया हुआ, फिर से रिपीट कर। सर हम लोग आ जाएंगे, ठीक है, जिनको डाउट है तो वो आ जाना फिर इस पे, ठीक है 11:30। जिसको ट्रिग्नोमेट्री आता वो नहीं आएंगे ना, ठीक है वो नहीं भी आएगा तो चलेगा, क्योंकि अब मैं यही वाले पोर्शन को बताऊंगा ना फिर से, ट्रिग्नोमेट्री का खासकर क्या यूज हो रहा है वहां पे। वैसे कर लोगे तो बुरा नहीं है, क्योंकि मैं उस तरह से बताऊंगा जैसा फिजिक्स में यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, तो कोशिश करो कि सभी लोग आ जाओ उस पे, ठीक है। ओके यस सर, ठीक है, तो अभी मैं ब्रेक ले रहा हूँ, अभी 11:30 बजे मिलते हैं आप, तुम्हें लोगों के लिए बस रहेगा डाउट। ओके बेटा 11:30 बजे मिलते हैं।